हेलो एवरीवन, मिस वीडियो में एसएससी जीडी की 11 जनवरी की सभी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस और हिंदी के, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दी गई सीरीज को पूरा कीजिए। तो इसे सीरीज को पूरा करना है तो 2 से 10 कितना है, 6 इंक्रीज हुआ है, 10 से 22 कितना हुआ है, 12, 22 से 40 कितना हुआ है, 18, उसके बाद 40 से 64 24, उसके बाद कितना इंक्रीज होगा, मतलब 6-6 का इंक्रीज होता जा रहा है। तो 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो 30 64 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 94। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 94 इसका राइट आंसर था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। तो लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन खेल से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो ये आया था हेनसांग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, मोहन बागान मैदान कहाँ स्थित है। तो मोहन बागान मैदान पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में लाया हूँ, एकदम 100% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, रियल। शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है, तो शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है, शंकरदेव। ये किस राज्य का है, असम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी धातु हवा के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग की हो जाती है। तो कौन सी धातु है, वो है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, सबसे कम उम्र की किस शास्त्रीय नृतंगना को 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। तो यह है सोनल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो किस में किया गया है, यह है भाग थर्ड में, यह है 12 से 35। तो इसे ध्यान रखिएगा, 12 से 35 अनुच्छेद तक है और यहाँ पर भाग थर्ड में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, यह आर्टिकल 61 में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे प्रमाण द्वारा प्रमाणित न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है। तो यह अप्रमेय कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो यह है आर्टिकल 395। दोस्तों बहुत ही कम समय में आपको 100% जो रियल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको रिवाइज करने के लिए मिल रहा है इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अनुयायी का विलोम शब्द क्या है। तो इसका विलोम शब्द है विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज किस का राजदूत था। तो ये था सेल्यूकस निकेटर का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अनुसूचित का विलोम शब्द क्या है। तो अनुसूचित का विलोम शब्द है अननुसूचित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो यह है पांडुचेरी का, 1037। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह किया जाएगा उड़ीसा भुवनेश्वर में, जो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, वर्ष 1951 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ऐतिहासिक की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो ऐतिहासिक की शुद्ध वर्तनी क्या है, ऐतिहासिक, इस तरह देखेंगे आप। ये आपके ऑप्शन में था तो ये राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, 2.4%। तो इसे आपके ऑप्शन में था तो ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या था? Na2CO3। अगर ये आपके ऑप्शन में था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये दीपावली के त्यौहार पर की जाती है जो अमावस्या के दिन पड़ता है, कार्तिक की अमावस्या के दिन दीपावली त्यौहार में मनाई जाती है। गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की दोनों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, झांसी को ब्रिटिश शासन में कब, सॉरी यहाँ विलय किया गया, तो कब विलय किया गया? तो यह किया गया था वर्ष 1853 में व्यपगत का सिद्धांत के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। तो ध्यान रखिएगा, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही कम समय में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको रिवाइज करने को मिले होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की नेक्स्ट चैप्टर का एनालिसिस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।